ठंड के दिनों में हरे पत्तों वाली सब्जियाँ ताजी, साफ और सस्ती भी मिलती हैं। सो गाइस, फूडी विप के किचन में आज का नाश्ता हम बनाएंगे मेथी के पत्तों से सिर्फ आधा कप पोहा और बेसन के साथ। हेलो फ्रेंड्स, फूडी विप कुक एंड ट्रैवल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल का आइकन है उस पर क्लिक करना और ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। सो गाइस, क्रिस्पी और टेस्टी मेथी वड़ा बनाने के लिए 6 से 7 हरे मिर्च, 1 इंची अदरक का टुकड़ा और कुछ लहसुन की कलियां मिक्सर में पीस लेंगे और आधा कप पोहा हम थोड़े से पानी में भिगोकर रखेंगे। हरी मेथी के पत्तों को भी अच्छी तरह से वॉश करके हम कट करके रखेंगे। जो पोहा हमने भिगोया था उसे इस तरह से जस्ट हाथों से मैश करेंगे। उसमें हम ऐड करेंगे हरा धनिया, वॉश किए हुए कटे हुए मेथी के पत्ते, 2 टेबलस्पून तिल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, इससे टेक्सचर अच्छा आएगा। और अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट हम ऐड करेंगे इसमें। 2 मध्यम साइज के ऑनियन को इस तरह से हमें लंबा पतला पतला कट करके इसमें ऐड करना है, इससे टेक्सचर बढ़िया आएगा। और इसमें जाएगा आधा कप बेसन, कुछ ड्राई मसाले जैसे आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और 2 चम्मच फ्लेवर के लिए मैं यहाँ धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1/2 चम्मच गरम मसाला। सबको अच्छी तरह से मिक्स करके हम बना लेंगे इसका एक सॉफ्ट डो और डो में से हम बनाएंगे इसकी टिक्की। गाइस, आप अपने मनपसंद साइज और शेप इसको दे सकते हो। मैंने इसे पतले पतले फ्लैट शेप में इस तरह से बनाया है ताकि ये थोड़े से क्रिस्पी बने। हमें इन्हें फ्राई करना है गाइस, तो थोड़ा पतला रखेंगे तो ये अंदर तक अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाएंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे। सारी फ्लैट टिक्कीज इस तरह से हम बना लेंगे और इन्हें हमें फ्राई करना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। इसमें तुरंत ही हमें करछी को नहीं चलानी गाइस, थोड़ा सेट हो जाए उसके बाद में हम इसके साइड को पलटेंगे और आप देख सकते हो ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। देखिए इसका कलर और टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। और इसी तरह से मैंने सेकंड बैच भी इसमें ऐड कर दिया है ऑयल में। सो रेडी है गर्मा गर्म नाश्ता। अगर घर में किसी को या बच्चों को स्पेशली मेथी की सब्जी खाना पसंद नहीं है तो इस तरह से आप ऐसा फ्रेश सुबह सुबह नाश्ता बनाकर बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हो, वो बहुत एंजॉय करेंगे। तो एक बार ये वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा गाइस, और इन्हें आप सर्व कर सकते हो हरी चटनी के साथ में या तो टोमेटो केचप के साथ में भी, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं गाइस। मेरी चैनल फूडी विप कुक एंड ट्रैवल पर ऐसी ढेर सारी डिलीशियस हेल्दी रेसिपी वीडियोस और ब्यूटीफुल ट्रैवल व्लॉग्स शेयर कर चुकी हूँ मैं। वीडियोस की प्लेलिस्ट और कम्युनिटी सेक्शन भी आप चेक कर लीजिएगा। अगर पसंद आती है वीडियोस तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप एक भी वीडियो मिस ना करो। सो कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।